हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रिवर्स करा के देख लेते हैं एक बार कोड ब्लॉक्स पर। तो यहाँ पर कोड ब्लॉक्स ओपन कर रखा है मैंने, यहाँ से एम्प्टी फाइल चूज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ इंट फंक्शन बना रहा हूँ, इंट मेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया। और यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ वेरिएबल्स हमें बनाने होंगे। तो वेरिएबल्स क्या बनेंगे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैर टाइप का, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने कैर, और यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। और इसकी साइज़ रख लेता हूँ लगभग 150 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ही टर्मिनेट करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर यूज़र को स्क्रीन पे दिखाई क्या पड़ेगा, यूज़र को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा ये एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूज़र को स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र को स्क्रीन पे ये दिखाई पड़ेगा तो यूज़र एंटर करना चाहेगा। तो जब एंटर करना चाहेगा यूज़र, तो उसके लिए हम स्कैनफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी गेटस लगा लेता हूँ। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन फिर किसी दिन करेंगे, पहले बहुत वीडियोस बना चुका हूँ गेटस को लेकर के, अगर आप बोलेंगे तो मैं या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। तो अभी यहाँ पर हमने ए नाम से बनाया है वेरिएबल, तो ए को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आगे क्या करना है हमको कि एक फंक्शन यूज़ करना है स्ट्रिंग रिवर्स। तो ये strrev ये यूज़ कर लिया हमने, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। और इसके बाद इसी में ए को रख देंगे हम, ठीक है। यानी ए में रखी हुई वैल्यू को हम रिवर्स कराना चाहते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसको टर्मिनेट करेंगे और अब एंटर करेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि अब हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपना रिजल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये लिख दिया मैंने रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये लिख दिया, ठीक है। इज यहाँ पे कर देंगे परसेंट एस, ठीक है। परसेंट एस क्यों, इसके भी पीछे रीज़न है, अब परसेंट एस के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पर अब लास्ट में ए नाम का वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे ए दे देंगे, ठीक है। ए दे दिया, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने पे यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न ज़ीरो, ये रिटर्न ज़ीरो कर दिया हमने, और इसे भी टर्मिनेट कर दिया। और अब इसको सेव करते हैं, तो यहाँ से चल के सेव पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव कर लेता हूँ, rev2.c ये नाम दे दिया हमने। और अब रन करवाने की बारी है, तो यहाँ से बिल्ड पे चल के पहले कंपाइल करवाते हैं इसको, देखते हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, और ये रन करवा दिया। तो रन करवा देने के बाद अब यहाँ पर कुछ देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, तो ये दे दिया हमने। तो देख सकते हैं मैंने सूरज लिखा कर रहा है, ठीक है, ठीक इसका उल्टा रिटर्न कर रहा है। फिर एंटर करता हूँ, यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, लाइक यहाँ पर लिखता हूँ देवरिया, तो यहाँ पर लिख दिया DEORIA देवरिया लिख दिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो देवरिया का ठीक उल्टा रिटर्न करेगा, EIROED, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, एक बार फिर दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कंपाइल करवाते हैं पहले, और फिर यहाँ से रन करवा देते हैं। तो ये रन करवा दिया हमने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ गोरखपुर, तो ये लिख दिया गोरखपुर, ठीक है। तो जैसे ही गोरखपुर लिखेंगे तो यहाँ देखिए ठीक इसका उल्टा रिटर्न कर रहा है ये, तो इसे कहते हैं रिवर्स, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और आगे के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।